नमस्कार आदाब, मेरा नाम फैसल है और आप देख रहे हैं P3 न्यूज़ इंडिया। आज हम बात करेंगे क्रिकेट से संबंधित। जी हां, रवि शास्त्री 2021 तक टीम इंडिया के मुख्य कोच रहेंगे। कपिल देव की अगुवाई वाली क्रिकेट एडवाइजरी काउंसिल ने शुक्रवार शाम इसका ऐलान किया। कपिल देव ने कहा कि हेड कोच का चयन कोचिंग स्किल्स, एक्सपीरियंस, नॉलेज और टीम के साथ कम्युनिकेशन के मानकों को ध्यान में रखते हुए किया गया। द सिस्टम वाज वेरी वेरी सिंपल, वी केप्ट इट एंड आई कैन टेल यू आफ्टर द मीटिंग ऑफ 4-5-6 आवर्स ऑल थ्री ऑफ अस हैड आवर ओन मार्किंग। आई डिडंट आस्क हिम एंड आई डिडंट आस्क हर, नाइदर शी आस्क्ड मी व्हाट हाउ मच मार्क यू आर गिविंग। And we all unanimously decided after doing all the accounts and number, which took us little bit of time, definitely number 3 is Tom Moody, number 2 is Mike from New Zealand, very, very intelligent, very good young boy, and number 1 is Ravi Shastri, which you all was expecting. रवि शास्त्री 2014 से 2016 तक टीम के डायरेक्टर रहे। 2017 में उन्हें टीम का कोच बनाया गया। हालांकि वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के हाथों मिली हार के बाद उनके कोच पद पर बने रहने पर सवाल उठ रहे थे। चयन के पहले ही कहा जा रहा था कि शास्त्री का कार्यकाल आगे बढ़ाया जा सकता है क्योंकि वे विराट कोहली की भी पसंद है। हालांकि कपिल देव ने स्पष्ट कर दिया कि कोच के चयन के वक्त कोहली की सलाह नहीं मांगी गई। कपिल देव ने कहा, हम तीनों कौन कौन, कपिल देव, अंशुमन गायकवाड़ और महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान शांता रंगोस्वामी की हेड कोच के उम्मीदवारों को लेकर अपनी अपनी मार्किंग थी। हम सभी की आम सहमति के मुताबिक मार्किंग ऐसी रही कि ऑस्ट्रेलिया के टॉम मूडी तीसरे स्थान पर, न्यूजीलैंड के माइक हेसन दूसरे और रवि शास्त्री पहले नंबर पर थे। इसी के मुताबिक हमने फैसला किया। हमने कोचिंग स्किल्स, एक्सपीरियंस, नॉलेज और टीम के साथ कम्युनिकेशंस जैसे मानकों पर अंक दिए। हालांकि तीनों उम्मीदवारों को मिले अंकों में ज़्यादा फर्क नहीं था। तीनों ने अच्छा प्रेजेंटेशन दिया। आखिरकार रवि शास्त्री ही क्यों चुने गए, इस पर अंशुमन गायकवाड़ ने कहा कि मुझे लगता है कि वे मौजूदा कोच है, इसीलिए उनका पक्ष मजबूत था। वे खिलाड़ियों को जानते हैं, मौजूदा माहौल जानते हैं और क्या दिक्कतें हैं ये भी उन्हें पता है। बाकी किसी को भी चुनते तो उन्हें काफी पहले से चीजें शुरू करनी पड़ती। वेस्टइंडीज दौरे पर गए रवि शास्त्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इंटरव्यू दिया। सीएससी में कपिल देव के अलावा टीम इंडिया के पूर्व ओपनर अंशुमन गायकवाड़ और महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान शांता रंगस्वामी शामिल थी। सीएससी ने इंटरव्यू के लिए 6 उम्मीदवारों का नाम शॉर्टलिस्ट किया था। इनमें रवि शास्त्री के अलावा लालचंद राजपूत, रॉबिन सिंह, न्यूजीलैंड के पूर्व कोच माइक हेसन और ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर टॉम मूडी भी शामिल थे। इस बार कपिल देव ने कहा, कोच के तौर पर हेसन दूसरी स्थान पर और मूडी तीसरी पसंद थे, लेकिन कमेटी ने रवि शास्त्री का चयन किया। रवि शास्त्री की कप्तान विराट कोहली और अन्य खिलाड़ियों के साथ बॉन्डिंग अच्छी है। पिछले 2 साल में किसी तरह की विवाद की खबर भी नहीं आई है, इस कारण शास्त्री को एक बार और मौका दिया गया। इससे पहले कुंबले और कोहली के बीच विवाद रहा था। इतना ही नहीं, जब 2005 से 2007 तक ऑस्ट्रेलिया के ग्रेग चैपल टीम की कोच थे, तब सीनियर खिलाड़ियों के साथ उनके संबंध अच्छे नहीं थे, ये कहा जाता है। हालांकि इसके बाद भी शास्त्री के सामने आईसीसी इवेंट में अच्छा प्रदर्शन करने का चैलेंज होगा। टीम 2015 और 2019 वर्ल्ड कप और 2016 T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में हार गई। हालांकि उन्होंने टेस्ट और वनडे में टीम इंडिया को आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 तक पहुंचाया। अब से मुख्य कोच के पद पर उनका कार्यकाल 2021 तक होगा। P3 न्यूज में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं और फेसबुक पेज को लाइक कर लें। शुक्रिया।